हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। आज मैं आपको वीट की वैक्स स्ट्रिप्स के बारे में बताऊंगी। ये रेडी टू यूज वैक्स स्ट्रिप्स होती हैं एंड इट सेज सलून स्मूथ फिनिश एट होम। तो मैं जो हूँ कभी कभी ये वाली यूज़ कर लेती हूँ, जब भी कभी मेरा सलून जाने का मन नहीं होता है तब। और बहुत ही तीन सिंपल स्टेप्स में ये हो जाती है। जस्ट पील इट, अप्लाई इट एंड पुल इट एंड यू आर डन विद द वैक्सिंग। तो ये जो है वो ड्राई स्किन वाला वेरिएंट है। बॉडी पे भी कर सकते हैं, लेग्स पे भी कर सकते हैं। और इसमें 20 प्री कोटेड वैक्स स्ट्रिप्स हैं और 4 परफेक्ट फिनिशिंग वाइप्स भी हैं, जो वैक्सिंग के बाद हम वाइप्स लगा के अब जो भी वैक्स होता है लेफ्ट ओवर हमारे स्किन पे वो साफ कर सकते हैं उससे। और मैं कई बार यूज़ कर चुकी हूँ, ये वेरी गुड, बहुत अच्छी हैं। और ये एलोए वाला ही मुझे अच्छी लगती हैं क्योंकि ये ड्राई स्किन के लिए हैं और इसकी जो इनके वाइप्स की फ्रेग्रेंस है ना वो भी काफ़ी अच्छी सी लगती है मुझे। तो एलोवेरा है इसमें एंड ग्रीन टी सेंट है। और यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है दैट हाउ टू यूज़ देम, सारी इंस्ट्रक्शन आप जो है पढ़ सकते हैं। दिया फर्स्ट टाइम यूज़ करेंगे इसको तो जस्ट रीड केयरफुली ऑल द स्टेप्स की कैसे करना है। दे आर सेइंग केयरफुली पील द स्ट्रिप अपार्ट, फिर अप्लाई वन स्ट्रिप टू योर स्किन एंड सो ऑन। 4 स्टेप्स दिए हुए हैं यहाँ पे कि आफ्टर वैक्सिंग क्लीन अवे एनी वैक्स लेफ्ट ऑन योर स्किन विद अ परफेक्ट फिनिश वाइप। तो ये सब है। बाकी इन्होंने यहाँ पे ये भी दिया हुआ है ये एक इजी जेल टेक्नोलॉजी से बना हुआ है और ये सब भी आप रीड कर सकते हैं। एंड टिप्स फॉर बेस्ट रिजल्ट भी दिया हुआ है कि आपकी स्किन यदि जो है वो हल्का सा पसीने आ रहे हो या कुछ आ रहे हो तो आप थोड़ा सा टेल्क भी लगा सकते हो, उससे आपकी जो वैक्सिंग है वो और ज़्यादा अच्छे से होएगी। एंड दे ऑल्सो से कि यू कैन री यूज ईच स्ट्रिप अंटिल इट लूजेज इट स्टिकीनेस, तो आप उसको स्ट्रिप को बार बार भी यूज़ कर सकते हो एट अ टाइम। ऐसा नहीं है कि आपने एक स्ट्रिप ली तो एक ही बार यूज़ करना है उसको। तो बाकी इसमें इंग्रेडिएंट्स भी दिए हुए हैं एंड एवरीथिंग इज़ गिवन है मेंशन। फिर यहाँ पे जो है वो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी भी है एंड इसका जो MRP है वो है ₹235 एंड आई थिंक ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है और ये मार्केट में भी अवेलेबल है। मैंने ये जो है वो मार्केट से परचेज किया है। और इसमें प्रिकॉशंस भी दिए हुए हैं यहाँ साइड में, वो बहुत ही स्मॉल लेटर्स में दिए हुए हैं, आपको यहाँ से विजिबल नहीं हो पा रहे होंगे। बट जब यदि आप पहली बार कर रहे हैं या आप पता नहीं है आपको कि किस तरह की स्किन पे इसको यूज़ नहीं करना चाहिए या क्या है, तो आपको हमेशा प्रिकॉशंस जरूर इसके रीड कर लेने चाहिए। इसमें दिया हुआ है कि ये सूटेबल है कौन कौन से एरियाज के लिए, लेग्स के लिए, आर्म्स के लिए, अंडर आर्म्स के लिए, लेकिन कहाँ के लिए सूटेबल नहीं है तो वो भी देखना है। फेस के लिए, आईज के लिए, नोज के लिए दे आर नॉट सूटेबल फॉर दीज एरियाज, तो वो सब भी है। एंड प्लस दे ऑल्सो आर सेइंग कि बिफोर एवरी यूज टेस्ट योर स्किन रिएक्शन, तो आप स्किन रिएक्शन के लिए भी इसको जरूर टेस्ट करें कि कोई आपको स्किन एलर्जी है, स्किन रिएक्शन तो नहीं हो रहा इसको लगा के। तो दीज प्रिकॉशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट टू रीड एंड दे आर ऑल्सो सेइंग कीप आउट ऑफ रीच ऑफ चिल्ड्रन। तो ये सब दिया हुआ है इन्होंने और बहुत अच्छे से हर चीज़ बहुत मेंशन है तरीके से और इसकी पैकिंग भी काफ़ी अच्छी है एंड कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत सुंदर है पैकिंग का। दे हैव गिवन दिस इज पिंक, देन दे हैव रिटन हेयर फ्रॉम ग्रीन एंड ऑल एवरीथिंग। सो लेट्स सी कि कैसे करते हैं इसको। मैं आपको एक स्ट्रिप यूज़ करके दिखा देती हूँ इसकी। तो इसको ओपन हमें यहाँ से करना है, फिर उसके बाद ये बता रहे हैं इसमें 20 हैं। तो ये जो है ना ये फिनिशिंग वाइप्स हैं इसके अंदर। इस पर लिखा हुआ है परफेक्ट फिनिश वाइप, गेट रिड ऑफ एक्सेस वैक्स। ये वैक्सिंग फिनिश करने के बाद है। इसकी भी देखिए कितनी प्यारी सी पैकिंग कर दी है इन्होंने, छोटा सा एनवेलप टाइप दे दिया और उसमें इनको रख दिया वाइप्स को। तो सी दे आर 4 वाइप्स, 1, 2, 3, 4 है। सो दीज आर द 4 वाइप्स। और ये जो है ये है वैक्स स्ट्रिप। इसके साथ भी इन्होंने एक सॉर्ट ऑफ मैनुअल दिया है जो आप पढ़ सकते हो कि इसमें किस किस तरह से कैसे करना है, सारा इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। टॉप टिप्स भी दिए हुए हैं और टॉप टिप्स वन वैक्सिंग वो सब कुछ भी दिया हुआ है कि हमें किस डायरेक्शन में पुल करना है इसको, अगेंस्ट दी हेयर ग्रोथ पुल करना होता है इसको, एवरीथिंग। इवन दे हैव गिवन इन डिफरेंट लैंग्वेजेस ऑल्सो, ये डिफरेंट लैंग्वेजेस में भी दिया हुआ है इन्होंने। आफ्टर केयर भी दिया हुआ है, जो फर्स्ट बार कर रहे हैं इसको यूज़ उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो पढ़ लें ये सब चीज़ें और पढ़कर ही करना चाहिए इसको हमें यूज़। उसके बाद जो है अब आप
मैं आपको दिखाती हूँ कि यूज़ कैसे करना है। इस तरह की वैक्स स्ट्रिप इसके अंदर से निकलती हैं और ये हम यहाँ से इधर से जो है इसको अलग करते हैं यहाँ से, और ये बहुत ही इजीली और आराम से जो है अलग हो रही हैं, देखिए इस तरह से। तो दे आर जस्ट वेरी इजीली गेटिंग सेपरेटेड। और अब जो है ये जो है इस तरह का निकलता है इसके अंदर से, एक जेल बेस्ड है ये, और मैं आपको दिखाती हूँ कि करना कैसे है। लाइक फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ लगाना है, ये जो आ रहे हैं हेयर्स थोड़े थोड़े दिख रहे होंगे आपको, तो हम इसको ऐसे करके यहाँ पे रखेंगे और हल्का सा इसको प्रेस करेंगे, और फिर उसके बाद जो है ये जो है ये जो एरिया होता है इसका, लाइक ये जो कर्व दिया हुआ है, यहाँ से हमें इसको पुल करना है, और पुल इस तरह से करना है ताकि हेयर्स इजीली निकल जाए और ज़्यादा पेन भी ना है, लाइक दिस। तो सी यहाँ से ये जो हेयर्स थे वो निकल गए। सिमिलरली जैसे फिंगर्स किए हैं, मैं फिंगर्स के आपको करके दिखाती हूँ। यहाँ पे जैसे ये फिंगर्स पे रखा और हल्का हल्का इसको हमने ऐसे प्रेस किया, और फिर उसके बाद हम ऐसे करके पुल कर देंगे। तो देखिए ये निकल गया, ये वाला रहता है अभी, बट ये तीनों का मैंने किया है, तो देखिए कितने आराम से ये क्लीन हो गए। तो दिस इज़ द वे कि हम ये पूरा कम्प्लीटली अपने आर्म्स को कर सकते हैं और लेग्स को। मैं जर्नली ये जो हूँ वो अपने आर्म्स पे ज़्यादा लाइक यूज़ करती हूँ और लेग्स पे, तो आप देख भी सकते हो इसको यदि दिख रहा हो तो, इसमें जो है ये हेयर्स निकले हैं थोड़े थोड़े, यहाँ मैंने ये पीछे लगा दिया, ट्रांसपेरेंट है ना, दिख नहीं रहा था, तो ये देखिए हर छोटे छोटे हेयर्स जो हैं वो इसमें निकल कर आ गए हैं। तो जिन्होंने अभी तक नहीं ट्राई किया वो कर सकते हैं, क्योंकि एक लाइक ये ऑप्शन है कि आपको सैलून नहीं जाना है या फिर सैलून में इतना इन्वेस्ट नहीं करना है, बिकॉज नावा डेज वैक्सिंग इज ऑल्सो बिकमिंग वेरी कॉस्टली अफेयर। तो यदि आप इससे करना चाहते हैं तो यू कैन गिव इट अ ट्राई, और यस आप जो हैं वो इसको एक बार यूज़ करके देखें, और एक जिसमें जो प्रिकॉशंस लिखे हैं लाइक पैच टेस्ट, आप एलर्जिक तो नहीं है इसके, वो ज़रूर करके देखें तभी इसको यूज़ करना शुरू करें। एंड इसमें जो वाइप्स थी वो भी दिखा देती हूँ मैं आपको खोल के कि किस तरह का है, ताकि आपको आइडिया हो जाएगा। वाइप्स की भी इनकी क्वालिटी जो है ना वो बहुत बढ़िया है, अमेजिंग है बिल्कुल। ये देखिए इस तरह का पेपर निकलता है ये, और इसमें जो है आपको वो ये इस तरह का होता है, एंड लाइक ऑयली सा होता है ये, बट बहुत ही बढ़िया होता है ये। ऐसे मतलब आप स्किन पे इसको इस तरह से वाइप करते हो, जैसे मैंने इस एरिया का किया, मैं ऐसे वाइप करूँगी तो सारा जो भी वैक्स लगा हुआ था ना वो सब साफ हो जाएगा, सी एकदम ये जो है यहाँ से भी जो वैक्स लग रहा था वो सब साफ हो जाएगा, और बिल्कुल ये एकदम प्लेन हो जाएगा यहाँ से, सी कितना ऑयल आ गया, ये सब एब्जॉर्ब हो जाएगा और एकदम सारा वैक्स साफ हो गया, सी। तो दिस इज़ द वे हमें ये यूज़ करना है। तो या दैट इज़ ऑल इन द वीडियो फॉर टुडे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा, एंड प्लस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो जल्द अपलोड करूँगी, तब तक के लिए बाय एवरीवन, टेक केयर।